हेलो नॉट सब गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं कि अपने दो अलग अलग फ़ोटो को कैसे एक ही फ़ोटो पे जोड़ना है। तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। तो कुछ इस तरीके का मैंने एक फ़ोटो एडिट किया है, तो मैं अभी इसी फ़ोटो को मैं आप लोगों को एडिट करने तरीका सिखाऊँगा। तो मैंने किस तरीके से इस फ़ोटो को एडिट किया है, तो इस फ़ोटो को मैं आपको दिखा देना चाह रहा हूँ कि पहले तो था ये, देख सकते ये फ़ोटो था कुछ इस तरीके का, तो मेरा फ़ोटो था कुछ इस तरीके का, तो ये देख सकते हो। तो इस फ़ोटो को मैंने एक साथ ही जोड़ के बना दिया है, डबल एक्सपोजर बना दिया है। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके का, तो इस पे मैंने एक दो फ़ोटो को एक साथ ही जोड़ दिया है। तो गाइज, अगर आप भी सीखना चाहते हो कि किस तरीके से मैंने इस फ़ोटो को एडिट किया है, तो इस वीडियो को फुल वॉच करना गाइज, तो बिना स्क्रिप्ट किए। तो गाइज, पहले तो आपको फ़ोटो का बैकग्राउंड को रिमूव करना है। ये देख सकते हो मैंने इस फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है कुछ इस तरीके से। तो अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता है, बैकग्राउंड रिमूव वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी इस वीडियो को बना दिया है, तो आप में आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, उधर आपको मिल जाएगा। तो मैंने अपने भी फ़ोटो का, ये देख सकते हो मैंने बैकग्राउंड रिमूव करके रखा है ऑलरेडी। तो गाइस, वीडियो को कर दीजिए जल्दी से लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। तो गाइस, पहले तो आपको एक बैकग्राउंड को लेना है, ये देख सकते हो इस बैकग्राउंड को। तो इन सभी PNG का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, और इस बैकग्राउंड का लिंक भी आपको वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, तो उधर से आप चेक कर सकते हो। तो इसको मैं लेकर जाता हूँ अपने पिका टाइप पे, तो मैं इस फोटो को पिका टाइप की मदद से ही एडिट करता हूँ गाइस। तो ये देख सकते हो इधर पिका टाइप पे मैं शेयर करके ले जाता हूँ। तो ऑलराइट गाइस, जहाँ पे हमारा ये ऐप ओपन हो चुका है, तो इस फोटो को मैं क्रॉप कर लेता हूँ। इस टूल्स वाले ऑप्शन पे जाना है, तो इस क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो गाइस ये देख सकते हो, इस पोस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसको फिर से इधर टिक कर देंगे। तो गाइस ये देख सकते हो ये क्रॉप हो चुका है। तो गाइस इस फोटो का मैं थोड़ा रिसाइज कर लेता हूँ, इसकी पिक्सल को बढ़ाना चाहता हूँ, तो इधर से इस रिसाइज पे क्लिक करेंगे। तो इधर मैं हटा लूँगा, तो इसको 2827 लिख लेता हूँ, तो इसको मैं इधर से डन कर लूँगा। तो इस रिसाइज पे क्लिक करेंगे, तो ऑलराइट गाइस यहाँ पे हमारे पिक्सल फिर से वापस आ चुके हैं। तो अभी हम इस पे अपना फ़ोटो ऐड करेंगे, तो इसके लिए हमें इस ऐड फोटो पे क्लिक करना है। तो इधर से हमने फ़ोटो को ऐड कर लेना है। तो गाइस मैं ये देख सकते हो इस फोटो को ऐड कर लेना हूँ, ये दो फोटो को ऐड करूँगा, तो इधर से ये देख सकते हो। तो गाइस इस फोटो को मैं इधर रख लेता हूँ, तो इसको भी मैं इधर रखूँगा, इसको बड़ा करूँगा गाइस कुछ इस तरीके से। तो इस फोटो का मैं घुमाना चाहता हूँ, तो इसके लिए हमें इधर आना है, फ्लिप रोटेशन पे अब आना है। तो इस पे मैं इस तरीके से इस थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लूँगा। तो ऑलराइट गाइस यहाँ पे देख सकते हो, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ गाइस कुछ इस तरीके से। तो गाइस इस फोटो को मैं इधर रख लेता हूँ, तो देख सकते हो। तो गाइस इसको आपको धीरे से इस तरीके से मिलाकर रखना है, ये देख सकते हो, तो इस तरीके से। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर इरेज करना चाहता हूँ गाइस, इस तरीके इधर से इरेज कर लूँगा इस वाले पार्ट को, तो कुछ इस तरीके से धीरे से इरेज कर लूँगा। तो इधर से फिर से इसे टिक कर लेना है। तो गाइस ये देख सकते हो हमारा फोटो ऐड हो चुका है, तो इधर से फिर से मैं इसको टिक कर लेता हूँ। तो ऑलराइट गाइस ये देख सकते हो हमारा फोटो रेडी हो चुका है। तो हार्ड नहीं है गाइस, एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको सिखाया है। तो इस पे हम थोड़ा सा भी कलर एडिट करेंगे, थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो लाइट का भी एडिट करेंगे। तो इसके लिए हम अपने लाइटरूम ऐप की मदद से करेंगे, तो इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ। इधर ड्रॉ वाले टूल पे आ जाना है, तो ये देख सकते हो इस थ्री डॉट पे क्लिक करना है। तो इधर देख सकते हो सेव इमेज लिखा है, तो इस पे क्लिक करेंगे। तो ये देख सकते हो गाइस हमारा फोटो अभी सेव हो चुका है, तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। तो गाइस मैं आपको सीधे लेकर जाता हूँ अपने लाइटरूम ऐप पे। तो ऑलराइट गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारा लाइटरूम ऐप ओपन हो चुका है। तो इस पे हम पहले तो इसकी थोड़ा लाइट एडिट करेंगे, तो देख सकते हो इस लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो थोड़ा सा एक्सपोजर को हम बढ़ा देंगे गाइस, थोड़ा सा 0.30 रख देंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन को हमें थोड़ा प्लस कर लेना है, कॉन्ट्रैक्शन को +12 रख देंगे। तो हाईलाइट को माइनस करना है गाइस, हाईलाइट को -38,
तो शैडोज को हम बढ़ा देंगे गाइस, शैडोज को 11 रखेंगे। तो ये देख सकते हो इस वाइट ऑप्शन है, वाइट और टूल्स को हम माइनस कर देंगे, माइनस 17, और ब्लैक को भी माइनस कर देंगे, माइनस 12 इसको भी। तो देख सकते हो गाइस हमारा अभी लाइट एडजस्ट हो चुका है। तो इधर से इस कॉलर वाले ऑप्शन पे आएंगे, तो कॉलर वाले ऑप्शन के आने के बाद इधर देख सकते हो टेम्परेचर सबसे ऊपर दिख रहे हो इस टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को हमें माइनस करना है, माइनस 16 पे रख देंगे। तो इस टिंट लिखा है, इस टिंट वाले ऑप्शन पे, सेकंड वाले ऑप्शन पे आना है, तो इसको भी थोड़ा प्लस करना है, प्लस 6 रखेंगे। तो वाइब्रेशन को हमें प्लस करना है, प्लस 26 रख देंगे गाइज वाइब्रेशन को। तो गाइज इधर इस ऊपर दिख रहा है आपको मिक्स वाले टूल्स, तो मिक्स वाले टूल्स पे आपको आ जाना है। तो गाइज ये देख सकते हो फर्स्ट पे है हमारा रेड कलर, तो रेड कलर कलर का ल्यूमिनेंस को हम थोड़ा सा प्लस कर देंगे, प्लस 12 रख देंगे। और देख सकते हो इस सेकंड वाले कलर है, तो सेकंड कलर पे हमारा ऑरेंज कलर है, तो ऑरेंज कलर का भी ल्यूमिनेंस को हमें थोड़ा प्लस करना है गाइस, प्लस 10। तो सेचुरेशन को हमें सेचुरेशन को भी प्लस कर देना है, सेचुरेशन को प्लस 7 रख देंगे। और ये देख सकते हो ये आ जाना है इस येलो वाले कलर पे, तो येलो वाला कलर का सेचुरेशन को थोड़ा प्लस कर देंगे, और ह्यू को भी थोड़ा माइनस करेंगे, तो माइनस 36 रखेंगे। और एक ग्रीन वाला कलर दिख रहा है, तो ग्रीन कलर का हमें सेचुरेशन को बढ़ा देना है। तो गाइज इस टिंट कलर पे आ जाना है, टिंट कलर का भी सेचुरेशन को बढ़ाना है गाइज। तो गाइज टिंट कलर का सेचुरेशन को हम 39 रख लेंगे। तो देख सकते हो ये ब्लू कलर, तो ब्लू कलर में आ जाने के बाद तो ब्लू कलर का भी हमें सेचुरेशन को बढ़ा देना है। तो ये देख सकते हो गाइज सेचुरेशन बढ़ा चुका है मैंने, तो इसको इधर से डन कर लूँगा। तो गाइज इस इफेक्ट वाले टूल पे आ जाना है, इफेक्ट वाले टूल, तो इफेक्ट वाले टूल पे आ जाने के बाद ये देख सको टेक्सचर, हमें टेक्सचर को प्लस कर देना है, प्लस 8 रख देंगे। और क्लैरिटी, क्लैरिटी ये देख सकते हो, क्लैरिटी को हम रखेंगे प्लस 9 के आसपास रखेंगे। तो गाइज इधर ये देख सकते हो हमारा फोटो हो चुका है रेडी, तो मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देख सकते हो बिफोर और ये आफ्टर। तो देख सकते हो गाइज हमारे आफ्टर पे कितना अच्छा से कलर, ये देख सकते हो कितना अच्छा से लाइट और कलर आ चुका है। तो इसको हम इधर से सेव कर लेंगे गाइज, इस शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो इधर ये सेव डिवाइस पे। तो गाइज अभी हमारा फ़ोटो हो चुका है, तो गाइज अभी हमारा फ़ोटो हो चुका है सेव, तो इसको मैं इधर से डन कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। तो गाइज ये देख सकते हो हमारा फ़ोटो अभी हो चुका है सेव। तो गाइज अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा तो आप फिर से आप देख सकते हो, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट भी कर सकते हो। तो गाइज आज के लिए इतना ही, तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेलेक्ट कर देना। तो गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।